हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं, मस्त हैं अपने अपने घर में। और देखिए, अभी आए हुए हैं हम ससुराल और रिशु के लेने के लिए आए हैं। देखिए, रिशु बैठा हुआ है और रीना जी के, तो 5 तारीख हम लोग लेके यहाँ से चले जाएंगे सिक्किम। तो ससुराल से ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं अभी। हाँ, और बाबू देखिए बैठे हुए। हाँ, आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं। अभी नहाने धोने के बाद देखिए, रिशु भी ड्रेस पहन लिया है और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। एक नया मंदिर है, उसी में जाएंगे हम लोग पूजा करने। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे उड़ीसा में धूप कितना है, देखिए बहुत तेज धूप है यहाँ पे। सिक्किम में ऐसा धूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज धूप है। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है। रात में यहाँ कूलर और दिन में भी कूलर चला के रहना पड़ता है, इतना ज़्यादा तेज धूप है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं। देखिए रिशु और रीना जी और मैं और सानू अभी घर में ही है। वो सो गया था आते टाइम, इसलिए उसको लेके नहीं आए हैं। तो आप सभी को यहाँ का एक नया मंदिर बना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक कैमरे से भी दिखाऊँगा। त्रिशक्ति मंदिर, हाँ त्रिशक्ति मंदिर है। तो लाइव आप लोग देखिए, लाइव मंदिर को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मंदिर, आप बहुत धूप है, पैर जल रहा है चलने में। देखिए मंदिर का स्पेस कितना अच्छा है, सुंदर, बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे पार्टी भी चलता है, शादी का, बर्थडे का। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। अभी सुबह सुबह के टाइम है, इसलिए अभी सन्नाटा है। अभी नया बना ही है, रामनवमी में इसको उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अभी नया बना है, इसलिए अभी भीड़ नहीं, रामनवमी में ही उसको पूजा किया गया है। इस मंदिर का नज़ारा देखिए, और गर्मी के चलते देखिए कितना बड़ा बड़ा कूलर भी रखा गया है, पूरे फुल्ली टाइल्स। और इसका ऊपर का नज़ारा देखिए, ऊपर का बनावट इसका। इसका ऊपर कितना सुंदर है बनावट। देखिए दूसरा, देखिए बहुत ही सुंदर बनाया गया है। देखिए बाहर का सीन, देखिए फ्रेंड, भोले बाबा का मंदिर है, ये नीचे भोले बाबा का है। तो यहाँ रिशु अभी पानी उसे नहीं, लोटा से, देखिए अभी दोनों जन अभी पानी डालेंगे।
ऊपर में राधा कृष्णा जी का है मूर्ति। देखिए रेशो भी ढाल दिया, घर से कुछ खा के आए नहीं हैं इन लोग, इसी के लिए इन लोग थोड़ा पूजा कर ले रहे हैं मंदिर में। आ जा रेशो। ऋषु गोदी ले लीजिए था, देखिए कितना अच्छा सीन है ये, विष्णु जी का है। अभी नया ये मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा बना है। मंदिर तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड हम लोग मंदिर में दर्शन कर लिए और मंदिर में बोलना, और कैमरा था तो थोड़ा साउंड कम आया है क्योंकि बहुत कम आवाज़ में बोल रहे थे। तो अभी देखिए हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है ये, देखिए बाहर में कितना अच्छा सुंदर है, और साइड साइड में देखिए ऐसा बनाया हुआ है। इतने तेज धूप है कि इसमें चलने में पैर जल रहा है। ये देखिए बाहर का एक ये रास्ता है ऊपर जाने का मंदिर, और दूसरा ये रास्ता है, और बीच में भोले बाबा है। दान पेटी में पैसा डाल रहा है, मांग मांग जितना दान पेटी में था सब में फिर इसको पैसा डाला है। डाल दो। देखिए ऋषु भगवान जी के गोड़ लग रहा है। हाँ हो गया, चलिए आइए फ्रेंड, आप लोग को दिखाते हैं। मैं आपको बोली थी एक वीडियो में कि कच्चू पत्ता का जो पकौड़ा होता है वो बनाने के लिए, तो आज मम्मी बना रही है सबके लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मम्मी कैसे काट रही है। आ जाइए, स्टार्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड मम्मी काट रही है सब, ये रहा कच्चू पत्ता, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, होगा इससे हो जा, अच्छा कोमल कोमल, हाँ हो जाएगा इतना का। अच्छा एक दो तो बन ही जाएगा बुरा। और ये रहा फ्रेंड चना दाल, ये सब पिसाएगा इतना सारा मसाला डाल के। देखिए फ्रेंड लहसुन है इतना, आधा इसमें डालेंगे इतना, और बाकी ऐसे जीरा गोलमरीच और हल्दी पाउडर सब डाल के मिक्स करके नींबू वगैरह डाल के तब में लपेटेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चावल और दाल मम्मी पीस चुकी है, और इसमें सारा मसाला भी डाला हुआ है, जैसे कि लहसुन और अदरक जीरा गोलकी सब डाला हुआ है। और इधर देखिए ये पत्ता मम्मी सब धो के रखी है, लेकिन इसका जो पीछे वाला भाग है ये सब काट कर मम्मी अभी निकालेगी, जो आप लोग को दिखाएंगे अभी। और ये शायद मोमो का बर्तन में आज बनेगा, देखिए आ गया मोमो का बर्तन। और ये इमली है, नींबू यहाँ पर काम नहीं करता, थोड़ा काटता है, गले में खसखस लगता है, इसी के लिए थोड़ा इमली यहाँ पर, इमली का पानी इसमें डालेगी मम्मी अभी। चाकू से नहीं निकालेंगे मम्मी, सूप ले आइए ना, इसमें नहीं सूप में, सूप में मतलब लपेटने भी बनेगा ना। रखिएगा लेकिन इसमें लपेटिएगा, और उसमें सब फैला के मम्मी सब डालेगी। देखिए इसका पकौड़ा भी बनता है, सब्जी भी बनता है पकौड़ा बनाकर, हाँ बना छोटा ही बनेगा, छोटा छोटा पत्ता है। देखिए मम्मी सब निकाल रही है, मम्मी को छुरी का ज़्यादा आदत नहीं है, फसूल से ही मम्मी ज़्यादा करती है।
तो इसका पशु से करिए, वो कोमल कोमल पत्ता भी है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मम्मी बना रही है, हाँ रिशु का फेवरेट है ये, इसको रिशु क्या बोलता है, चिकन पकौड़ा। इसको बढ़िया लगता है ये, बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए चिकन पकौड़ा वहाँ दादी बनाती है तो दादी को भी बोलता है हमको और खाना और खाना, चिकन पकौड़ा बोल बोल के खाता है। पहली बार पूरा फैलाई ना मम्मी, फैलाई बड़ा थरीवा नहीं है ना, थरीवा तो हम आप उल्टा किए हैं। हाँ हो गया, जाओ ना रखो ना थाली, देखिए अब हुआ ना फैला। देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ा जगह स्पेस मिल रहा है करने का, थाली में स्पेस नहीं मिल रहा था, उस तरफ रख लीजिए। हाँ इस तरह से सब एक एक करके सब में लगा देंगे, उसके बाद फिर लपेटा जाएगा इसको। देखिए फ्रेंड ये लो मम्मी मोड़ के एक ठो रख दी है, और एक ठो मम्मी अभी फिर से और एक ठो कर रही है, ये कैसे मोड़ेगी आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ा टाइट करके मोड़ा जाता है, और बहुत लोग बांधते भी हैं लेकिन मम्मी बांधती नहीं है, या फिर मेरे घर में भी नहीं बांधना बांधते हैं हम लोग, टाइट करके पूरा लपेट ही देते हैं, वो बिना बांधे भी टाइट होके रहता है तो नहीं खुलता है। देखिए मम्मी किस तरह से कर रही है, और किस किस को ये पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरा रिशु को तो ये बहुत पसंद है, फेवरेट है एकदम इसका, वेट कर रहा है कि कब जल्दी बनेगा ये। सिक्की में इसको दादी बूंद बना के खिलाई है, दादी जब रहती है तो कहीं ना कहीं से ले आती है जैसे भी, और ला के इसको ज़रूर खिलाती है। और ये इसके फुआ को अति प्रिय है ना, मंजू बुआ को बहुत पसंद है ये, मंजू बुआ को। हाँ ये कुछ बोलना चाहता है, छोटा थे ना तो दादी ना बहुत खिलाती थी, और ऐसे खिलाते खिलाते ना मेरा ऐसे पसंद होने लगा, तो इसका डर लग गया मेरा, तो खाने लगे कभी कभार। देखिए फ्रेंड मम्मी किस तरह से बांध रही है एकदम टाइट करके, देखिए ऐसे बांध के इसको ऊपर से दोनों साइड से बंद कर देगी इसका मुंह, बंद करने के बाद फिर इसको उसमें रखेगी। देखिए अब ये खुलेगा नहीं, और इसको इस तरह से रख दी मम्मी देखिए, और ये फिर अब स्टीम होगा, और एक तो शायद बनेगा इस तरह से करके सब फोल्ड कर लेगी, और एक लास्ट बनेगा शायद, उसके बाद फिर मम्मी स्टीम करेगी, स्टीम करके तब इसको तलेंगे, जब स्टीम हो जाएगा तो उसके बाद आधा घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि अच्छा से कटे ये पीस पीस, वरना नहीं कटता है जल्दी, अगर गर्म गर्म ही काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसको काट के उसके बाद फिर इसको तलेंगे, तो आप लोग को दिखाएँगे, आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड मम्मा का बर्तन में मम्मी डाल दी है, देखिए अब ये पूरी तरह से अच्छा से स्टीम हो जाएगा, तीनों में डाल दी है, तीन तीन पीस है लगता है दोनों में, तीनों में तो नहीं, इसमें पानी है, ये वाला में पानी है जो स्टीम होगा, इसके थ्रू ये दोनों भप आ जाएगा, स्टीम हो जाएगा, इसमें और इसमें डाला हुआ है, स्टीम हो जाएगा, स्टीम होने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब इसको तलेंगे तेल में। यहाँ देखिए बाबू खेल रहा है, सो कर उठा है अभी तो खेल रहा है, देखिए नींद पूरा हो जाता है तो थोड़ा खेलता है, और भाभी आज खिला रही है टाइम मिला है तो। देखिए हंस रहा है क्या। और ये हंसना सीखा है, ये हंसता है अभी।
हंसता भी है, पलटता भी है, पलटने लगा भी है। मजा आ रहा है, देखिए कितना ज्यादा हंस रहा है। सानू सानू ने है, हाँ दे दे जन मुँह में चूसते रहेगा। अरे आज गए थे लाने चूसने, तो नहीं नहीं मिला तो उंगली छोड़ा। हाँ तो उंगली पतला हो जाता है लेकिन। देखिए ये हो गया है तैयार, स्टीम हो गया है। अब इसको पीस पीस करके काटेंगे और इसको तलेंगे। तो ब्लॉग ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए कैसे इसको तलते हैं। और यहाँ पे तेल डाला हुआ है, देखिए रिफाइंड तेल है, ये रिफाइंड तेल में ही तलेंगे। सरसों तेल जिस भी में भी तल सकते हैं, तो हम लोग तो रिफाइंड में तल कर खाए हैं, खाएंगे मतलब खाए नहीं खाएंगे। देखिए फ्रेंड ये जो है, देखिए इसका लेयर सब दिख रहा है कैसे, और ऐसे इस तरह से काटे हैं। देखिए ये पतला पतला पीस काटे हुए हैं, इसको तलेंगे अभी। रिशु को बहुत पसंद है, रिशु सो कर उठेगा तो ये खाएगा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो इसको इसी तरह से पीस पीस सब काट के और बनाएंगे। देखिए अभी दो ही सिप कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, बाद में फिर अच्छा से इसको शाम में खाएंगे सब तल के नाश्ते में चाय के साथ। और इसको आप लोग चाहे तो बेसन घोल कर और बेसन में भी लपेट उसको डिप करके और फिर तल सकते हैं, लेकिन ये मम्मी बेसन इसमें कुछ ज़्यादा ही दी है। देखिए बेसन और चावल, बेसन तो नहीं मतलब चना दाल को पीस कर की है, चना दाल और चावल को पीस के। तो देखिए इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा है इसी के लिए डिप नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट इसमें फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से आज ये पूरा रेड हो जाएगा। इस तरह से इसको उलट पलट करके इसको पूरा रेड कर लेंगे, रेड करने के बाद तब निकालेंगे। और बहुत क्रंची लगता है ये, चना का दाल का रहता है तो और भी क्रंची लगता है चना दाल वाला, बेसन का भी लगता है लेकिन चना दाल का ज़्यादा क्रंची लगता है। देखिए रेड हुआ है इस तरह से। देखिए कैसे लाल पूरा भुन जाएगा ये तले में। इसको सरसों का तेल में भी बना सकते हैं, सरसों का तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है लेकिन मुझे रिफाइंड तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है। सरसों तेल में होने से होता है ना कि थोड़ा गरु लगता है, पेट भारी भारी लगेगा, लेकिन रिफाइंड तेल में थोड़ा कम लगता है, मतलब हैवी नहीं लगता है, उसी के लिए रिफाइंड तेल में इसको किए हैं। फिर रेड तेल के पूरा निकाल लेंगे। देखिए पूरा मछली का पीस की तरह लग रहा होगा ये, और अगर इसको सब्जी बनाना चाहेंगे ना तो ये सब्जी इसका बन जाएगा। मतलब इसको तल के से निकालिए और उसके बाद फिर सब्जी सरसों का मसाला भी डाल के यूज कर सकते हैं, मतलब सरसों लहसुन मिर्ची आदि प्याज वगैरह सब पीस के उसको फ्राई करके फिर पानी डाल के बना सकते हैं, या फिर ऐसे तल के भी खा सकते हैं, और बिना सरसों का भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड ये बन के हो गया रेडी, कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत क्रंची लगेगा ये। हाँ हाँ तो फ्रेंड आप लोग भी खाइए। देखिए पकौड़ा कच्चू के पत्ता या अरबी का पत्ता भी बोल सकते हैं, अरबी का पत्ता का पकौड़ा, और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ क्रंची। देखें
पूरा क्रंची है ये, बहुत अच्छा टेस्ट बना है। तो फ्रेंड आप लोग भी अपने अपने घर में ट्राई कीजिए, और कैसा बनता है आप लोग से प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रिशु अभी थोड़ा देर में उठेगा तो उसको खिलाएंगे, बहुत खुश हो जाएगा। और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।